जिसको सेल्फ हम समझते हैं वो तो फिक्शनल है ही है, वो रियलिटी नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये पूरी दुनिया एक ड्यूअल उस पर चलती है, तो जो एवर चेंजिंग है वो हमेशा किसी न किसी चेंजलेस के ऊपर ही खड़ा होगा। अगर बैकग्राउंड में कोई चेंजलेस नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो जो रियल सेल्फ है, जिसको हम रियल सेल्फ कहते हैं, वो चेंजलेस फिनोमिना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन फिर एक सेल्फ वो जिसको हम समझते हैं, हमारा सेल्फ, वो चेंज हो रहा है। वर्ड्स में समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, टेक्निकल वर्ड्स में, और जनरली अगर लिटरेचर में भी देखेंगे तो इसको लिखने में भी दो तरह से लिखते हैं। रियल सेल्फ को कैपिटल एस से लिखते हैं और उस सेल्फ को स्मॉल एस से लिखते हैं। सेल्फ, तो सेल्फ और सेल्फ में डिफरेंस है। तो जो स्मॉल सेल्फ है उसको हम साइक कह सकते हैं, जो हमारी साइक है, जो अभी सब अंडरस्टैंड कर रही है, जो समझने की कोशिश कर रही है, जो समझ रही है, जो बातों को कंसीव, परसीव, इम्बाइब कर रही है, वो हमारी साइक, जिसको हम सेल्फ कह रहे हैं। तो वो तो चेंज हो ही रहा है, अप टू डेट कंडीशनिंग उसको बदल रही। अभी तक जो हमको सुना, यहाँ तक जो देखा, उसने हमारे सेल्फ को बदल दिया, यानी हमारी साइक को बदल दिया। तो कुछ लोग उसको साइक की तरह से भी कहते हैं और कुछ सेल्फ की तरह से, लेकिन एक चेंजलेस सेल्फ, रियल सेल्फ, उस चेंजलेस के ऊपर ही सारा चेंज घट रहा है। क्योंकि अगर वो बैकग्राउंड में नहीं है तो फिर चेंज भी नहीं होगा, ये मिस्ट्री है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो उस चेंजलेस में एंटर कर जाना, जिसको सोर्स कह रहे हैं वो चेंजलेस सेंटर है, जहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन उसी से निकलकर फिर सारा चेंज घटना शुरू होता है। ये पार्ट अपने अंदर भी अगर हम देखेंगे तो कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा बहुत सिंपल है, उसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैंने हमेशा से ये बात कही कि अगर हम अपनी बॉडी, माइंड, अपने, जैसे अभी बात हुई वेकिंग, ड्रीमिंग्स, डीप स्लीपिंग, सबको भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हर आंसर हमारे पास है। अब कोई भी व्यक्ति, अभी वो किसी भी उम्र के फेज में हो, अपने अंदर वो दो चीजें हमेशा देखेगा कंटिन्यूअस। एक चीज वो उसको पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, वो जाने या ना जाने ठीक से, लेकिन एक चीज उसको जरूर एहसास होती कुछ भी नहीं बदला, और एक चीज उसको हमेशा पता चलती कि सब बदल रहा है, उम्र बदल रही है, सब बदल रहा है। आंख बंद करके बैठें और जरा अपने अंदर एक्सप्लोर करें, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मिलेंगी। एक तो लगेगा कि तो वही है, कुछ भी नहीं बदला, यानी कि हमारे अंदर वो जो सेल्फ चेंजलेस है वो भी साइमल्टेनियस है, और वो सेल्फ जो चेंजिंग है वो भी साइमल्टेनियस है, दोनों चेंज एंड चेंजलेस। तो इसलिए ही कभी उम्र के किसी भी पड़ाव पर, कितनी भी उम्र हो जाए किसी व्यक्ति को, कुछ पल के लिए अगर वो अपनी गणित भूले तो उसको पता ही नहीं चलता कि क्या उम्र हुई, क्या बदला, क्या नहीं बदला, क्योंकि अंदर एक चेंजलेस सेंटर है उसके, कंटिन्यूअस है, सभी के अंदर है। तो वही है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अल्टीमेटली अपने सोर्स से डिस्कनेक्टेड थोड़ा ही होता है। हम हैं इसका मतलब अपने सोर्स से कनेक्टेड ऑल द टाइम हैं, बस हम केवल अपने इल्यूजन में उसको भूल जाते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी बात अगर हम देखें कि हाँ ये तो है, हमारे अंदर कुछ ना बदला हुआ भी है, हम सोर्स के नज़दीक आ गए। इसीलिए सिंपलेस्ट मेडिटेशन जो मैंने शेयर किया है सबसे, जस्ट फीलिंग योर अलाइवनेस। लोग आत्मा, परमात्मा सब बात करते रहेंगे, विजुलाइज करते रहेंगे, किसी की पकड़ में नहीं आता है इंटेलेक्चुअली और वैसे, लेकिन आप अपनी अलाइवनेस को हमेशा महसूस कर रहे हैं, दैट इज द सोल। यू आर एक्सपीरियंसिंग योर कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम थ्रू योर अलाइवनेस। अलाइवनेस है क्योंकि ये कॉन्शियसनेस का एक फील है, बाकी तो ये कंप्यूटर है, ये मशीन है, बॉडी मशीन है। तो मशीन में तो जो चीज ये महसूस कर रही है या जो महसूस हो रही है, यही कॉन्शियसनेस है जो इंजेक्टेड है, वो हटा लीजिए, मशीन वहीं की वहीं है। तो हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल मशीन है, जो उसमें अलाइवनेस महसूस हो रही है हमको, दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट इज द सोल, वही आत्मा है।
तो हर कोई जानता है उसको, ऐसा कोई नहीं कि उसको बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी लोग जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन उस पर कोई ठहर कर फोकस्ड नहीं होता। जैसे ही ठहर कर कोई फोकस्ड होगा, एकदम से वो इल्यूमाइंड हो जाएगा, अपने सोर्स में लौट जाएगा। अगर अपनी बॉडी की अलाइवनेस को कोई एक घंटा भी महसूस, एक घंटा टू मच है, चलिए 10 मिनट भी कोई महसूस कर ले कंटिन्यूअस, वो बॉडीलेस हो जाएगा, वो बॉडीलेसनेस में चला जाएगा। इसको विदेह कहते हैं, बॉडीलेसनेस। उसको यही फील होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट बॉडी, क्योंकि अलाइवनेस इज नॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज मैनिफेस्टिंग थ्रू बॉडी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी। एग्जैक्टली वो चीज कंफ्यूजन पैदा करती है कि वननेस सबके साथ फील कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट डेड वननेस। आज की लास्ट चीज, एज अ सेपरेट आइडेंटिटी वो लोकल अपनी अलाइवनेस फील कर रहे हैं। वननेस का मतलब ये नहीं होता है कि सब गड्ढमड हो गया, मर्ज हो गया, उज्ज्वल पंकज में मर्ज हो गया, पंकज सोनल में मर्ज हो गया, बुलाया उसको बोला वो, डांटा उसको दुखी वो, ऐसा तो कोई वननेस में नहीं गया। इतने बड़े ऋषि मुनि अवतार इनलाइटेंड मास्टर वो वही हैं जो हैं, यानी कि वो एक लेवल पे सेपरेट हैं, तो किस लेवल पे वन है। हम तो यही वननेस की कल्पना करते हैं कि वननेस में सब मर्ज हो गए एक दूसरे में, ऐसा वननेस तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। आप किसी भी बड़े गुरु को उठा लीजिए इतिहास में, सेपरेट है पूरी तरह से। तो सेपरेट जब तक ये बॉडी माइंड है तो सर्टेन लेवल का सेपरेशन रहेगा। एज अ नोइंग, केवल नोइंग के प्लेन पर वो इस चीज को जान चुका है कि वो सब तरफ है, और उसको जानने का जरिया यही है कि अगर अपनी अपनी अलाइवनेस को आप जानिए तो आप सारी अलाइवनेस को जान लेंगे। आप धरती के अलाइवनेस, पत्थरों के अलाइवनेस, दूसरों के अलाइवनेस सब जान लेंगे, और आप वैसे ही फंक्शन करेंगे, हाईली सेंसिटिव होकर फंक्शन करेंगे। सब कुछ जितनी भी टीचिंग स्पिरिचुअली दी गई है, बिना किसी को सिखाए हुए कि ये करो वो मत करो ये ना करो, अपने आप करने लग जाएंगे। करके देखे कोई, बस वही तो अपने सोर्स से कनेक्शन है। लेकिन जिस दिन हम अपनी अलाइवनेस को फील नहीं करते, उस दिन हम दूसरे के अलाइवनेस भी फील नहीं करते। कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल का सेपरेशन बना रहेगा। वो फंक्शनल है, वो फंक्शनल वर्ल्ड में होने के लिए जरूरी है।